जो कड़ा मम्मी को पसंद था वो कड़ा बाबा ने ऑर्डर करके मंगवा लिया। अरे माई अंगूठी? हाँ मायशा की। मायशा ही क्यों? तो तुम्हारी नहीं, मैंने कैंसिल कर दिया अभी अभी। मैं इस तरीके से सॉर्ट करके रखती हूँ, इसमें कुछ उसकी ज्वेलरीज वगैरह रख देती हूँ। आपको लास्ट वाले ब्लॉग में दिखाया था कि हम ज्वेलर शॉप पे गए थे मायशा के लिए लेने, तो ये ब्रेसलेट लिया था, ठीक है, जो मैंने पहना, मायशा का है एक्चुअली। और मम्मी को ना वहाँ पे चेन और कड़ा पसंद आया था। चेन तो मुझे भी बहुत पसंद आई थी, बट कड़ा जो है वो मम्मी को बहुत पसंद आया था, और मैंने उसकी वीडियो फोटो बना के रख ली थी। मेरी आंखें भी लाल हैं, प्लीज जज मत करना, मैं नहा के निकलूँ, बाल भी गीले हैं तो आंखें लाल हो जाती है मेरी, ठीक है। तो मम्मी को कड़ा बहुत पसंद आया था, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी और मैंने भेज दी थी। सुबह हमारी बात हो रही थी जस्ट कि मम्मी को कड़ा बहुत पसंद है, पापा आप बनवा दो, मम्मी के पापा कह रहे तू बनवा दे ये वो ऐसे, और सडनली अभी मम्मी पापा थोड़ी देर में किचन में कहने लगे कि अभी तू नाचेगी, मतलब मम्मी को कहते हैं अभी तू नाचेगी कविता ऐसे करके। मम्मी कह रही अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले ये देखो, जो कड़ा मम्मी को पसंद था वो कड़ा बाबा ने ऑर्डर करके मंगवा लिया। प्यार कहते हैं इसे, कहते हैं प्यार। कल पसंद किया ऐसे मंगवा दिया सरप्राइज। मम्मी के चेहरे की खुशी, चेहरे की चमक। माँ बेटे सेम है, कितना भी सोने में भर दो इन्हें बढ़िया ही लगता है। ये माइंग की बात हो रही है, माइंग को गोल्ड बहुत पसंद है। जो चेन मम्मी की लाई थी वो माइंग अपने गले में डाल कर बेटा बहुत अच्छा ऐसे सरप्राइज मिलता है तो बस यार। कड़े की इतनी खुशी है कि मंचूरियन भी जला दिए। जल गए छुड़वा दिया था। हाँ जल गए ये रहे। कोई नहीं, इतना तो बनता है, चार ही मंचूरियन तो है कड़े के आगे। अब मम्मी फ्लॉन्ट करेंगी कड़े के साथ है मम्मी। तूने मुझे बताया था कि मम्मी को पसंद आया और मैंने मंगा दिया, तो दोनों का हो जाएगा ठीक है। इसमें देखो मैंने रात के 4 बजे, मैंने लिटरली रात के 4 बजे मैंने मम्मी को वीडियो भेजी है कि ताकि मेरे फोन से डिले, वो कड़े की वीडियो हाँ। और मैंने पापा को बताया सुबह, पापा को बहुत पसंद है। अच्छा हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शास्त्रस ब्लॉग। तो मैं निकल रही थी डॉक्टर के पास, मेरी आज विजिट है फाइनली, 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, 2 महीने होने वाले हैं। और मैम ने मुझे बुलाया था, मैं आज फाइनली मैम के पास जा रही हूँ। सारे फेस्टिवल चले गए हैं तो भीड़ भी कम है बाहर। मेरा पति कहाँ है बेबी? यार तुम कुछ दिला दो ना, कुछ दिला दो। कली तो उठी, वो मायशा की है। अरे मायशा अंगूठी? हाँ मायशा की है। मायशा ही क्यों? तो तुम्हारी नहीं, मैंने कैंसिल कर दिया अभी अभी। हम लोग इतने कंफ्यूज हैं एक्चुअली। अभी डॉक्टर के पास के बाद हमें जाना था कुछ हॉल्स को चेकआउट करने के लिए। हमारी एनिवर्सरी जो है हम अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। यहाँ से यहाँ अच्छा अंदर से जा रहे हैं, और जिस रास्ते से हमें जाना था वहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, तो हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तो मैंने 2-3 हॉल्स पे यू नो कॉल करके इंक्वायरी करी है, शॉर्टलिस्ट करके इंक्वायरी के लिए मैंने कॉल कर दिया था। तो अभी वो हमें बताएंगे, हम जाके वहाँ टाइम नहीं खराब करना चाहते क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा जाना आना पता करना। और 26 के आसपास नवंबर तो शादी का टाइम होता है, दैट्स व्हाई हमने सोचा अभी कॉल कर लें। तो अगर हो जाता फाइनलाइज तो आज ही कर लेंगे, अदरवाइज हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर होगा तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन है। वी आर बैक गाइस। हम लोग नहीं गए देखने, मयंक ने एक्सक्यूज दे दिया एज ऑलवेज। मुझे ये मामा अर्थ के नेचुरल लिप बाम भी रिसीव हुए हैं। यहाँ पे टोटल 5 शेड्स हैं जो मुझे मिले हैं, एंड मैंने ये वाला ट्राई भी करा है, विटामिन सी वाला, ये वाला ट्राई किया है। इतना शोर मचा रखा है, बाबा बंद कर दो बाबा, मैं सुनता ही नहीं है मेरी बिल्कुल। ऐसे हस्बैंड्स होते हैं सीरियस। देखो अभी भी इसको अपनी मूवी देखनी है। मूवी नहीं है, ऐड चल दे, पॉज नहीं सकती भैया। आई एम नॉट फूल, ओके, डोंट मेक मी फूल। ये क्या था? अरे कट जाएगा यार, उस मूवी गायब हो जाएगी। ऐसे पति होते हैं, बात भी करने का दिल नहीं कर रहा मेरा तुमसे। आई हेट यू। उबली हुई दाल, और मैं उसके साथ टेस्ट के लिए मंचूरियन ले रही हूँ। खैर मैंने यहाँ अपना रख, ऐसे मेरा दिल कर रहा था कि जो मेरा पति खाएगा वो मैं खाऊंगी। आप एक्सक्यूज मी, यू आर ऑन डाइट, यू सेड। टेस्ट कर रहा हूँ यार,
साला आज इतनी टेस्टी बनाने पे मयंक फुल ऑन डाइट पे आ गया है। ओ पतला होगा 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 मयंक, सीरियसली 6 घंटे में पतला कौन होता है? मेरे को सच में ऐसा लगा कि मेरे लिए कुछ सामान आया है, बट और शायद इतना खुश हो गई कि पिक्सी ने सामान भेजा है। पिक्सी ने मेरी मायशा के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए, मुझे लगा, मैंने मयंक से बोला मयंक 1 सेकंड मैं स्टोरी बना रही थी, और देन मेरे को मयंक ने शायद कहा खाने पीने चम्मच चम्मच को दे रखा है, मैंने कहा शायद मायशा लिखा उस पे, एंड देन मैंने उस पे मायशा, देखो यार ये कितना प्यारा है, आई डोंट नो क्या है बट जो भी है हैंगिंग क्लिप कुछ टाइप का है, देखो ना। हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। थैंक यू सो 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 मच, अनएक्सपेक्टेड था कि इतना अच्छा ब्रांड, इतना बड़ा ब्रांड हमारी बेटू के लिए उसने कुछ भेजा है। इट्स अ रैटल एंड ये सारे वुडन के रैटल्स हैं, एंड देन दिस इज अ ब्यूटीफुल ओनोसिस पिक्सी लव मायशा। ओ माय गॉड, दिस इज सुपर यूपर क्यूट, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो सिलिकॉन प्लेट्स हैं एंड इसका बिब है, ओ माय गॉड बिब भी है बहुत अच्छे से सिलिकॉन में, एंड देन ओ so many things I have to say. Oh my god, इस पे भी लिखा है माइशा। towel नहीं, कुछ वूलन का है, कुछ क्या ये? I think ये उसका ही है, wrapping towel types। ये मेरे लिए है, vitamin C, lip brightener, rose ceramide cream। ये बड़ा अच्छा लगता है यार। Rose pixie, love you। मैंने बहुत अच्छे से सर की मालिश करवाई तिल के तेल से, और अब मैं नहा भी चुकी हूँ, नहाए हुए मुझे 2-3 घंटे से ऊपर हो गए। मैंने आज ट्राई किया कि मैं ब्लो ड्राई करूँ और करके मैं सो गई और शूट नहीं किया मैंने, तो अभी मैं पी रही हूँ चाय, शाम के 5 बज रहे हैं। मैंने मालिश कराना शुरू कर दिया गाइज आफ्टर डिलीवरी, अब मेरे ऑलमोस्ट 2 महीने हो जाएंगे 6 दिन के बाद। तो मेरी डॉक्टर की विजिट थी जैसे मैंने बताया था कल, तो मेरी विजिट के बाद अब मैंने सोचा कि अब मैं ले सकती हूँ मालिश, तो मैंने कहा बिल्कुल करा सकती हूँ, क्योंकि मैंने पूरे लेबर पेन लिए थे नॉर्मल डिलीवरी के लिए, एंड में जाके मेरा सिजेरियन हुआ है जिसकी वजह से अब मेरे को मालिश की बहुत जरूरत है। मेरी कमर का जो दर्द है वो आज तक नहीं गया है, 3rd महीने मुझे शुरू हो गया था मेरा लेबर पेन, बट लेबर बन गया कमर का दर्द, और अब मैं मालिश करा रही हूँ ताकि अच्छे से वो कम हो जाए। एंड मैं जाऊँगी वॉक पे शाम के 5 बज रहे हैं, क्योंकि मुझे फिट होना है, और ऑब्वियसली पोस्ट प्रेगनेंसी की वजह वो अपने आपको बॉडी में आप देखते हो ना, जो फैट है वो आपको बड़ा स्ट्रेस देता है कि यार कब पतले होगे कब पतले होंगी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रखी है बहुत ज़्यादा। फाइनली मैंने मायशा की अलमारी कल रात सेट कर ली है, बहुत ज़्यादा मैस था, मैं मायके से जब से आई थी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, इवन अभी भी मुझे बहुत टाइम नहीं है। सो ये उसकी अलमीरा है, बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं जो अभी मैंने बिल्कुल पहनाई भी नहीं है। ये वाला विंटर ड्रेस है, मुझे बहुत पसंद है ये, रिसेंट में भी MM ने गिफ्ट किया है, विंटर ड्रेस है, बहुत प्यारा है। मैं इस तरीके से सॉर्ट करके रखती हूँ, इसमें कुछ उसकी ज्वेलरीज वगैरह रख देती हूँ, ये उसके टॉवल्स हैं इस तरीके से। खैर मैं यहाँ पर टूर नहीं दे रही हूँ, उसकी कैप लेनी थी मुझे, शोनी तो भी बना देता है। क्या देख रहे हो अब, क्या देख रहे हो शोनी, अब क्या देख रहे हो, आपने दूध पिया अभी अभी? मजा आ गया। मेरा बच्चा इतना सीधा है, कुछ मजा आ गया। बात नहीं कर रही हूँ मैं आपसे, आपको पता है मैं आपसे नाराज हूँ, बात मत करो। मैं नहीं मानने वाली मयंक, हर चीज के लिए ना ये नहीं होता कि मैं मान जाऊंगा, आप मना कर दो। यू मेरा मायशू पैदाइश शिप आउट करता है, ये देखो अभी ये दिन हो रहा है आप देख सकते हो, और शाम के 5 बज रहे हैं, मायशा का दिन हो रखा है, जैसे ही रात के 12 बजे वो तो मॉर्निंग होती है, नहीं अभी मायशा का रात हो रही है, सॉरी अभी रात हो रही है, हमने जोर से जगा रखा है। ये आई नींद 12 बजे, जैसे रात के 12 बजेंगे मायशा का दिन निकला है, खोल के बोलती गुड मॉर्निंग, कहती गुड मॉर्निंग बंजूर, आप लोगों को सोने नहीं देना मेरे को, बंजूर डैडी बंजूर मम्मी, ऐसे करती उठ गए। मेरा बच्चा ये गंदे पापा है ना, कितने गंदे पापा है, अच्छा कौन है, सिर्फ मम्मा। सब लोग कहते हैं मायशा मयंक पे गई है डिट्टो, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं, मायशा का ये वाला जो नीचे का फेस है वो बिल्कुल मयंक पे है, नाक तो कॉपी है। एंड आई डोंट लाइक माय नोज, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मायशा की नाक मुझ पे नहीं गई है, पसंद तो मेरी भी नहीं थी, नहीं तुम्हारी फिर भी पसंद है, तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और मायशा स्माइल करती है तो बिल्कुल मयंक जैसी दिखती है, बट मुझे मयंक कभी बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट यू, आओ हट जा, आ लोगों तुम्हें पता ना दर्द होता क्यों करते हो, मैं कोई वॉक पे चलो नीचे मेरे साथ गार्डन में, नीचे पार्क में, हां देखो शाम हो रही है, अच्छा वॉक करेंगे, मुझे जिम जाना है, अच्छा हां 7 बजे। यहां पे मैं बना रही हूं आलू गोभी की सब्जी,
थोड़ी सी, क्योंकि दोपहर में राजमा बना था तो वो अभी तक रखा हुआ है, तो थोड़ा की ज्यादा सब्जी बनाने का फायदा नहीं है। माइंड ऑलरेडी डाइट पर है, सब डाइट कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सब डाइट कर रहे हैं। आप पापा नहीं कर रहे हैं, पक रही है, दो सीटी लगानी है मुझे क्योंकि जल्दी पक जाएगी। तो मैं जब तक पानी भी नहीं आ रही थी, गर्म पानी, आपको सीटी की आवाज आ रही है, मम्मी मार्केट जा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से ही सब्जी बना लेती हूँ। मैं अपनी बेड साइड पे गर्म पानी रखने लग गई हूँ क्योंकि मुझे अपने पेट को कम करना है, जो मेरा पोस्ट प्रेगनेंसी वेट है, तो गर्म पानी से सिकाई भी हो जाती है और गर्म पानी पीने से वेट लॉस भी होगा, फैट भी कटेगा। तो गर्म पानी रखते हुए बाय द वे ये मुझे ब्यूटीफुल स्टोर ने दिया है, मेकअप स्टोर ब्यूटीफुल इंस्टा पेज, उन्होंने भेजा था, ये मयंक लिखा हुआ है। तो मैं यस मयंक की बॉटल में पानी पीती हूँ। नहीं, रोशनी जो आप देख रहे हो उस लाइट की वजह से मैंने अपने स्टूडियो में ये लाइट लगवा ली है, क्योंकि मुझे बहुत ही कम रोशनी लगती थी। अब मैस है ना, मतलब मैं आपको अगर जगह जगह दिखाऊंगी तो मतलब हर जगह मैस ही मैस है। ये देखो पूरा फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है सी। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करूंगी। मायशा को मैंने अभी जस्ट दूध पिलाया है तो वो भी सेट हो गई है अभी एक दो घंटे के लिए, और इतना मेरे पास टाइम है, मैं शूट करूंगी। कल मामा अर्थ का इवेंट है तो मैं यहाँ पे ये व्लॉग एंड कर रही हूँ, क्योंकि आई थॉट कि मैं एक नया व्लॉग स्टार्ट कर सकती हूँ, और कल देखते हैं कि वहां पे कौन कौन से यू नो इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स आते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो भी मुझे वहां मिलेंगे, अगर मैं कर पाई तो, क्योंकि मैं बहुत ही शाय हूँ। जी हाँ, खुद से अप्रोच करने में मुझे बॉर्डर लगता है, स्माइल में दे सकती हूँ सोशल स्माइल, बट वो भी डिपेंड करता है कि अगर सामने वाला बंदा करे या नहीं करे, मतलब समझ जाओ कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, और हो सकता है वो सामने वाले को लगे कि ये बहुत रूड है, बट एक्चुअली मैं ऐसा नहीं होता। मुझे खुद से अप्रोच करने में थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे मुझे बहुत, और मैं अकेले हर जगह डरती हूँ। तो खैर, मैं मयंक मेरे साथ जाएंगे, और भी बहुत सारे हैं यूट्यूबर्स को इन्वाइट किया है, फिजा को किया है, निधि को किया है, तो फिजा तो पास में रहती है, साथ में चली जाएगी, पर निधि से मुझे कंफर्म करना है। ऑल राइट यू गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, मिल यू नेक्स्ट व्लॉग।